कुकिंग चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड, वेनिला कस्टर्ड है, बहुत ही अच्छा और यम्मी टेस्टी बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने तकरीबन ली है ग्रीन और रेड जेली मैंने ली है, और जो है ना जो दूध में जो है ना पाउडर डालते हैं वो मैंने ठंडा दूध जो है ना निकाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चूल्हे पे जो है ना 1 लीटर दूध चढ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जुम्मे के दिन आप सबके नसीब अच्छे करें। आज 10 रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आज जुम्मा है, अल्लाह पाक आप सबको जुम्मे के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। और अल्लाह पाक आप सबको जुम्मे का जो है ना रोज़ा नसीब करे, आमीन आमीन। तो यहाँ पे चलिए जो है ना मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो ये है तकरीबन जी 1 लीटर दूध है मेरा, तो एक लीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने जो है ना पाउडर के लिए निकाल दिया था दूध। तो यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो, हमने थोड़ा सा खाना अभी जो है ना बाहर से मंगवाया था, थोड़ा सा खाना वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। थोड़ा सा लिया था पर लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा हेल्दी था खाना तो इसकी वजह से थोड़ा लिया। तो आप लोगों को पता है कि खाना शहरी में अच्छा नहीं लगता, तो पानी बस पीते और चाय का जो है ना बस वही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो है ना दूध जो है ना उबालने के लिए रख दिया है, जब उबाल आएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। और मैंने जेली का जो है ना पानी पतीले में गरम कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी गरम हो गया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। अब कस्टर्ड जो है ना इस जो है ना दूध में डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये कस्टर्ड बनता है, वेनिला कस्टर्ड है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों को फ्लेवर कौन सा अच्छा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको जो है ना मेरी जो भी गलती हो या मुझसे जो भी थोड़ी सी गलती होती है वीडियो में, आप लोग मुझे बताया करें, क्योंकि आप घबराना नहीं, क्योंकि आप लोग जो है ना आप मुझे बताया करें कि मैं उनको जो है ना ठीक कर सकूँ गलती को। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुनहगार हूँ, गुनहगार को माफ़ करिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा भाई को। अब कस्टर्ड इसमें जो है ना ऐड करते जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए तो इनको हल्की आंच पे पकाने देते हैं। अब इसमें जो है ना रेड जेली बनाएंगे। मैंने तकरीबन थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब इसको जो है ना हल्की आंच से जो इनको जो है ना हिलाएंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो मेरी जेली जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो चलिए इनको जो है ना पक्खे के नीचे जो है ना ठंडा करते हैं। अब रेड ग्रीन जेली जो है ना इस जो है ना पतीले में बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जेली जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो चलिए इनको भी ठंडा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड को भी जो है ना चूल्हे से उतार लेंगे। चलिए अब इसमें जो है ना चीनी शामिल करेंगे कस्टर्ड में। अब अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो है ना आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें जो है ना चीनी ऐड की अपने टेस्ट के मुताबिक। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी जो है ना मैं कस्टर्ड में जो है ना बाद में ऐड करता हूँ। तो मैं अपने जो है ना कस्टर्ड में जो चीनी लास्ट में ऐड करता हूँ। मैं चीनी जो है ना तकरीबन ऐड में जो है ना एंड में डालता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए भिंडी जो है ना मैंने तकरीबन तकरीबन 1:30 बजे रात को मैंने फ्राई कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हो। तो इतना काम होता है कि आप लोगों को क्या बताएं, क्योंकि रमज़ान है तो हर चीज़ का जो है ना ध्यान देना पड़ता है। तो इनकी वजह से मैंने फ्राई की थी भिंडी भी और आलू भी फ्राई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे यम्मी टेस्टी बन रहे हैं हमारे जो है ना लग रहे हैं। और मैंने फ्राई इनको किया है, कम मसालों में फ्राई किया है मैंने। इनमें जो है ना मसाले कम डाले, नमक, थोड़ी सी मिर्ची, काली मिर्च, थोड़ा सा चुटकी भर जो है ना गरम मसाला मैंने ऐड करके ये जो है ना सारा प्रोसेस जो है ना बना दिया है। आज की मेरी जो है ना सहरी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी सहरी सज गई है, दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहदिल से दुआएं, आमीन सुम्मा आमीन। ये अल्हम्दुलिल्लाह नान है, मैंने जो है ना आज नान मंगवाए थे तो आज नान के साथ सहरी करेंगे। तो आज के लिए इतना, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।